कि वर्तमान हालातों में अपने देश में मजबूत नहीं बल्कि मजबूर सरकार की जरूरत है, अर्थात केंद्र में ऐसी ही गठबंधन की सरकार होनी चाहिए ताकि उस पर व्यापक जनहित, जन कल्याण व देश हित में लगातार काम करते रहने की तलवार लटकी रहे और यह निरंकुश और वह निरंकुश व तानाशाही का व्यवहार नहीं कर सके, जैसा कि खासकर आजकल बीजेपी के वर्तमान शासन काल में देखने के लिए मिल रहा है। इसके साथ साथ यहाँ मेरा मॉब लिंचिंग के बारे में ये भी कहना है कि इसे रोकने के लिए केंद्र की सरकार को तुरंत ही सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। हम पिछली सरकारों का एग्जाम्पल देकर अपनी जिम्मेवारी से नहीं हटना चाहिए बल्कि केंद्र की सरकार को तुरंत ही इस मामले में वह इसको रोकने के लिए ये जो भीड़ तंत्र की आड़ में जो निर्दोष लोगों की के साथ जो जुर्म जाती हो रही है इसको रोकने के लिए केंद्र की सरकार को तुरंत ही सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। और वैसे भी संसद चल रही है जिसे आसानी से बनाया जा सकता है, वरना फिर देश की जनता बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को कतई भी माफ नहीं करेगी। ऐसी मेरी केंद्र सरकार को सलाह भी है।